आज का विषय धोतरा के मसीह की चर्चा आज आपके बीच में मैं करने जा रहा हूं। यह जो पोस्ट अगर आप देख रहे हैं, लिखा है बदबूदार मसीह और खुशबूदार मसीह। जी, वापस कह दे रहा हूं, बदबूदार मसीह और खुशबूदार मसीह। आज ये मेरा विषय है। फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टाग्राम, आप लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आपका सब काम मात्र एक घंटे के लिए रोक दीजिए, और इस एक घंटे में मैं चाहता हूं आप खुद को जांचें, खुद को परखें, खुद को आज आप आकलन करेंगे, एनालाइज करेंगे कि मैं परमेश्वर की नजर में, जब मैं परमेश्वर के भवन में आता हूं, जब मैं परमेश्वर के लिए प्रार्थना में अपने घर पर बैठता हूं दरवाजा बंद करके, तो मैं बदबूदार हूं या मैं खुशबूदार हूं। इस शब्द के साथ आपको अपने आप को परमेश्वर के सामने लेकर आना है। दोस्तों, जिस वचन को मैंने रखा है, इफिसियों की किताब उसका पहला अध्याय, माफ करना, इफिसियों की किताब उसका पांचवा अध्याय, वचन 1 से लेकर 21 तक आपके बीच में मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाने जा रहा हूं। तो वापस से कह देता हूं, एक है बदबूदार मसीह और दूसरा है खुशबूदार मसीह। राइमिंग वर्ड के हिसाब से आपके लिए मैंने इसको रखा है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपनी अपनी बाइबल को खोल लें। अगर आपके पास आपकी बाइबल है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, आपकी जो भी भाषा में आप पढ़ते हैं, मैं चाहता हूं कि उसको पढ़ लें। और पहला वचन ही, इसको कहते हैं कि पहले वचन से बुलेट आपको हिट करेगी। बुलेट समझते हैं ना, या आपको पहली लाइन से ही बुलेट आपको हिट करेगी और आपको सीधा यहां पे हिट करेगी। लिखा है कि इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदस्य, इंग्लिश में लिखा है फॉलोवर्स, वापस से पढ़ दे रहा हूं कि इसलिए परमेश्वर के प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदस्य फॉलोवर्स बनो। आपकी जो भी लैंग्वेज है उसमें आप लोग चेक कर लीजिएगा। इसको ऐसे कहते हैं, फिर से पोस्टर दिखा देता हूं, इसको ऐसे कहते हैं कि जब कभी कोई मसीह बन जाता है, एक दिन का हो या फिर 10 साल का हो, वापस से कह दे रहा हूं, एक दिन का हो या 10 साल का हो, जैसे मसीह बन जाता है वो परमेश्वर को प्यारा बन जाना चाहिए, वो परमेश्वर के लिए प्रिय बन जाना चाहिए। तो लिखा है कि इसलिए प्रिय बालकों की नहीं, जिसको परमेश्वर कहना चाहिए कि आ गया मेरा प्यारा, जिसको कहना चाहिए कि परमेश्वर आ गई मेरी प्यारी, जैसे ही आप परमेश्वर के पास जाते हो, जैसे ही आप चर्च जाते हो, जैसे ही आप सोशल प्लेटफॉर्म पे प्रभु की उपस्थिति में बैठते हो, जैसे आप अभी मुझे सुन रहे हो, वैसे ही परमेश्वर कहना चाहिए कि आ गई या आ गया मेरा वो बेटा जो मुझसे फेलोशिप करता है, जो मेरे पीछे चलता है और ये मेरा प्रिय बन गया है। वाह, क्या कभी आपने ऐसा सोचा था? क्या कभी आपने इस बात को समझा था कि जिस परमेश्वर को मैं प्यार करता हूं, परमेश्वर भी मुझे प्यार करता है? एक ऐसा परमेश्वर जो आपको कहता है कि तू मेरा प्रिय है, तू मेरा प्रिय है। ये हम प्रिय उसके कब बन जाते हैं दोस्तों, इसकी के ऊपर वापस से पोस्टर दिखा दे रहा हूं कि एक होता है बदबूदार मसीह और एक होता है खुशबूदार मसीह। वचन 2 को पढ़ने जा रहा हूं, लिखा है कि और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। तो इसका मतलब क्या है? इसको कहते हैं फ्रेग्रेंस। मैं कल बता रहा था किसको पसंद नहीं है खुशबू। फेसबुक और यूट्यूब वालों तुम भी सुनो, किसको पसंद नहीं है खुशबू?
सबको पसंद है खुशबू, सबको पसंद है फ्रेग्रेंस, सब परफ्यूम यूज करते हैं, सब के सब नहाने के बाद डीओ यूज करते हैं, सब अगर फंक्शन पार्टी या फिर इवन घर में हो तो आप परफ्यूम यूज करते हैं, आपको खुशबू पसंद है। वैसे ही जब आप परमेश्वर के पास जाते हो तो परमेश्वर कहता है कि आ गया खुशबूदार, ना कि बदबूदार। वाह, आज आपका जीवन कैसा है? क्या मसीह की तरह है? क्योंकि जब यीशु को पिता देखता है तो पिता कहता है कि आ गया मेरा बेटा यीशु जो महकता है। यीशु का जीवन परमेश्वर की नजर में परमेश्वर पिता के लिए हमेशा महकता था। मैं सीधे पूछूंगा आपको, मैं सीधे पूछूंगा जूम के लोगों को, क्या आपका जीवन परमेश्वर के आगे महकता है? आप खुद को सेवक कहते हैं, आप खुद को पास्टर कहते हैं, आप खुद को वर्शिपर कहते हैं, आप खुद को प्रीचर कहते हैं, आप खुद को टीचर कहते हैं, आप खुद को प्रभु का दास दासी बेटा बेटी विश्वासी कहते हैं, लेकिन आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। क्या तू जब जब आता है तो क्या तू इस बात का ध्यान देता है कि तू दोनों में से कौन सा है? क्या तू बदबूदार है या तू खुशबूदार है? ये कॉन्सेप्ट मुझे कहां से मिला दोस्तों? ये कॉन्सेप्ट मुझे मिला इस वचन 2 से। लिखा है कि उसने यीशु ने, किसने? यीशु ने खुद को परमेश्वर के आगे महकने वाला बना दिया। यीशु महकते थे, यीशु खुशबूदार थे, यीशु का जीवन महकने वाला था। आज मैं सीधा पूछूंगा, क्या आपका जीवन महकता है? कम से कम 60 लोग, माफ करना 50 लोग अभी जूम पे मेरे साथ में कनेक्टेड है। मैं सबको पूछूंगा जो जूम पर अभी देख रहे हैं, क्या आपका जीवन परमेश्वर के आगे महकता है? आपको पता है, मैं समझता हूं कि विदेश से भी कुछ लोग जुड़े हैं। सिस्टर एस्थर जी, आप भी देख रही हैं। मैं समझता हूं कि जब हम परफ्यूम यूज करते हैं, अच्छा इत्र, परफ्यूम, जो भी आप लोग बोलो, सेंट, जब हम जाते हैं फंक्शन में या किसी घर में, तो पलट कर लोग देखते हैं, पूछते हैं, आपने ये कौन सा परफ्यूम लगाया, बड़ा अच्छा है, मैं भी खरीदूंगा। याद है कभी कभी ऐसा होता है? जी हाँ, होता है। और लोग जब पूछते हैं तो हमको बड़ा खुशी होती है कि अरे वाह, मतलब मैं किसी के लिए महक रहा हूं, वो खुश हो जाता है। तो वो कहता है कि यस यस, मैंने ये दुकान से खरीदी, उसका परफ्यूम का नाम ये है, ऐसा है, अलाना है, फलाना है। वैसे ही जब आप परमेश्वर के पास जाते हो तो परमेश्वर कहता है कि यस, ये आदमी आज महक रहा है। अब इसको उल्टा करिए, अगर आप बदबूदार हैं, आप किसी फंक्शन में पहुंच गए, आप किसी पार्टी में, पार्टी में तो खैर हम जाते नहीं है, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, आप किसी फंक्शन में, पार्टी मतलब फंक्शन, शादी में, किसी के घर में आप कहीं चले गए और आप बदबूदार हैं, और आसपास के जितने लोग हैं आपको पता है आपके पास तक नहीं खड़े होंगे, आपके पास बात तक नहीं करेंगे, कम ऑन यस और नो, आपके पास में खड़ा होना तो दूर, कहेंगे कि भाई आदमी को निकालो, ये कहां से आ गया बदबूदार आदमी। सोच के देखिए, जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, आप जब संगति में बैठते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ अपना जीवन देखते हैं, तो सोच के देखिए, अगर परमेश्वर इस वचन के हिसाब से आज हमसे बात कर रहा है कि यीशु महकते थे लेकिन आप बदबूदार हैं, तो यीशु मसीह जैसे महकते थे आप नहीं महक रहे हो, तो वो पिता आपको कैसे अपने पास रखेगा? या कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि आज परमेश्वर आज मुझसे और आपसे बड़ी गहराई के तौर पे बात करने जा रहा है। वचन 3 को मैं आपको समझा देता हूं। लिखा है कि जैसे पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम्हें व्यभिचार, किसी प्रकार का अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना करना, तो दूर की बात है, लिखता है कि चर्चा तक ना हो। इसकी वजह से आप बन जाते हैं, मैं माफी चाह रहा हूं, पीछे जा रहा हूं, आप बन जाते हैं बदबूदार मसीह। आपका जीवन ठीक नहीं है, आप शराबी हैं, व्यभिचारी हैं, मूर्ति पूजक हैं, आप संसारिक हैं, आप थिएटर जाते हैं, पिक्चर के गाने सुनते हैं, आप संसारिक हो चुके हैं, नॉनवेज जोक्स को आप क्रैक करते हैं, आप नॉनवेज जोक्स को किसी को कहते हो वो आपको फॉरवर्ड करता है, आप उसको भेजते हो, ऐसे किसी प्रकार की बातों को अगर आप उसमें लिप्त हैं तो परमेश्वर कहता है कि तू बदबूदार है।
वाह, तू बदबूदार है। मैं चाहता हूं कि आज परमेश्वर आप लोगों से बात करें। आपको पता है परमेश्वर का फ्रेग्रेंस कौन सा है, परमेश्वर का इत्र कौन सा है, परमेश्वर का खुशबू कौन सा है? यीशु का लहू, यीशु का लहू। लिखा है कि उसने आपके सब पापों को धोकर आपको इस काबिल बनाया कि आप परमेश्वर के आगे खड़े रह सके। ये यीशु का लहू कौन सी मार्केट में मिलता है डैनियल भाई? ये आपको किसी मार्केट में नहीं मिलेगा। ये यीशु का लहू अगर मुझे लेना है लीटर लीटर में या बॉटल में, कहां मिलेगा? आपको दुनिया के किसी दुकान में नहीं मिलेगा। लेकिन जहां घर पर बैठे हो, सड़क पर बैठे हो, गांव में बैठे हो, शहर में, अंतर्राष्ट्र में, वहीं पर आपको कहना है कि प्रभु मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, उसी वक्त वो लहू बिना कीमत के आपके ऊपर आके आपकी बदबू हटाएगा और आपको खुशबूदार बना देगा। वाह, कैसा लग रहा है अभी तक? तो जी शुक्रिया। तो जिसके चलते आपके बीच ये चौथा वचन पढ़ने जा रहा हूं, लिखा है ना निर्लज्जता, ना मूर्ता की बातचीत, ना ठट्टे की, क्योंकि ये बातें सोहती नहीं है वरन धन्यवाद ही सुना जाए। इसको कहते हैं कि ऐसी बातें मसीह लोगों के लिए बनी ही नहीं है, ऐसी बातें हमारे लिए नहीं बनी हैं। एक कहावत है कि जिस गांव को जाना नहीं उसका एड्रेस क्यों पूछना, उसका पता क्यों पूछना है आपको? कितने लोग समझ रहे हैं? तो इसको पढ़िएगा। लिखा है, मैं चाहता हूं कि जितने अभी इस वक्त में देख रहे हैं बड़ी बारीकी से बातों को समझे। आज परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में बात करने जा रहा है, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या शुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, अब जरा पढ़ो, जो मूरत पूजने वाले के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं पाएगा या वो वारिस नहीं बनेगा। इनहेरिटेंस परमेश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं बन सकता, क्योंकि मूर्ति पूजक कभी वो चाहे प्रत्यक्ष रूप में हो, प्रतिमा बनाकर लकड़ी की, पत्थर की, प्लास्टिक की, सोने की, चांदी की, लोहे की, ऐसी आराधना करने वाला एक भी व्यक्ति परमेश्वर के पास कभी नहीं जाएगा। लेकिन हम मसीह लोग क्या कहते हैं? मैं तो मूर्ति पूजा नहीं करता, मैं तो किसी प्रतिमा की आराधना नहीं करता। लेकिन परमेश्वर कहता है, बेटा तू उसके बावजूद मूर्ति पूजक है, अगर तू ऐसी कोई हरकत करता है जो व्यभिचार है, अशुद्ध काम है, लोभी, लालची, इन सब को करने वाला मूर्ति पूजक के बराबर है। अब इसको पढ़िए, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। इसका मतलब है तुमको धोखा देने वाले ये लोग कौन है? लिखा है कोई, ये कोई कौन है? आज आपके बीच में इसका खुलासा करने जा रहा हूं। ये कोई वो है जिसको हम पास्टर भी बोल सकते हैं, ये कोई वो है जिसको हम बाइबल टीचर भी बोल सकते हैं, ये कोई वो है जिसको हम ऑनलाइन प्रीचर बोल सकते हैं। क्योंकि 21वीं सदी के मॉडर्न दुनिया में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में, आज बहुत सारे पास्टर्स कहते हैं कभी कभी हम वाइन पी सकते हैं, कभी कभी हम सिगरेट पी सकते हैं, कभी कभी हम थिएटर जा सकते हैं, कभी कभी हम सांसारिक फंक्शन पार्टियों में जा सकते हैं। बताइए, एक वीडियो मेरे पास में भेजी गई थी, बोला कि डैनियल भाई एक प्रीचर है कहता है कि हम सिगरेट पी सकते हैं। बोला क्यों? क्योंकि बाइबल में सिगरेट पीने को मना नहीं किया है, दारू पीने को मना किया है, लेकिन सिगरेट पीने को मना नहीं किया। वाह बेटा, तो बाइबल में जहर का पत्ता खाने को भी मना नहीं किया, तो वो भी खा लो, ऐसा नहीं कर सकते ना? तो ऐसे लोग हैं। लेकिन कोई तुम्हें व्यर्थ बातों में धोखा ना दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। मैं वापस कह दूं कि जो कोई ऐसी काम करता है परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर भड़कता है। सोच के देखिए, बहुत ध्यान से सुनना, आज एक बहुत गहरी बात बोलने जा। जब तुम थिएटर में 3 घंटा बैठ के पिक्चर देख रहे होते हो, परमेश्वर का क्रोध तुम्हारे ऊपर आ रहा होता है। जब तुम सांसारिक बातों में बैठे रहते हो, परमेश्वर का क्रोध तुम्हारे ऊपर आ रहा होता है। जब तुम बैठ के सिगरेट पी रहे होते हो, वाइन पी रहे होते हो, कहते कि भाई चलता है, कभी कभी तो पी लेते हैं, है ना, तो परमेश्वर का क्रोध तुम्हारे ऊपर आ रहा होता है। वचन 7, मैं चाहता हूं कि आप लोग इसके ऊपर भी ध्यान दीजिए, और जितने भी फेसबुक में 310 लोग जुड़ गए, खूब शेयर करिए और अभी करिए। लिखा है, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। किसके? उनके। किसके? जो तुम्हें व्यर्थ धोखा देते हैं उनके।
यही वजह है कि मसीह मंथन बैठक के प्लेटफॉर्म से मैं कहता हूं कि हर बाइबल पकड़ने वाला मसीह नहीं होता, हर यीशु की स्तुति करने वाला विश्वासी नहीं होता, वो भेड़ की खाल में भेड़िया भी हो सकता है। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, बल्कि क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु प्रभु में ज्योति हो, तो सो ज्योति के संतान की नाई चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। अब इसको पढ़िए, और परखो कि प्रभु को क्या भाता है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो, बल्कि उनको रिब्यूक करो। ये गलत है तो गलत है, वो सही है तो सही है। कुछ लोग क्या बोलते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा मसीह मंथन के लोगों, आप लोग भी सुनिएगा, पास्टर्स एंड लीडर्स ऑनलाइन प्रीच वालों, कहते हैं कि डैनियल भाई आपकी जब हम प्रीचिंग सुनते हैं ना तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, अगर हम ऐसा प्रीच करेंगे ना तो कोई प्रभु के पास आएगा नहीं। तो मेरा क्वेश्चन है, पत्रस ने जब 3,000 लोगों को प्रचार किया था, वो 3,000 लोगों का मन कैसे बदला? सोचने वाली बात है ना, अगर पत्रस की तरह, माफ करना, आज के प्रचारकों की तरह अगर पत्रस भी बोले, ओ अगर मैं डायरेक्ट बात करूं तो ये 3,000 लोग कभी मन नहीं फिराएंगे, मैं काम करता हूं थोड़ा सा ना उसको शुगर कोटिंग कर देता हूं, शुगर कोटिंग समझते हैं, मीठा मीठा, मैं थोड़ा सा ऐसा बात करूंगा कि वो बदल जाए। जानते हो एक्ट चैप्टर 2:40-41 कहता है कि उसने बिल्कुल साफ कहा कि खुद को टेढ़ी जाति से बचा के रखो। इसका मतलब यह था कि उसकी प्रीचिंग में बिल्कुल साफ था, उसकी प्रीचिंग में बिल्कुल पानी की तरह क्रिस्टल क्लियर था। वो ये कह रहे थे पौलुस, माफ करना पत्रस, शराब पीना गलत है तो गलत है, ये वे विचार गलत है तो गलत है, और संसार की वो सभी बातें गलत है तो गलत है। ऐसे जब प्रीच किया 3,000 लोगों का हृदय छिद गया। तो हमको कहते हैं कि डैनियल भाई आप अगर ऐसा प्रीच करोगे तो लोग कब बदलेंगे? अरे भाई तुम मेहरबानी कर रहे हो क्या? यीशु के ऊपर तुम मेहरबानी कर रहे हो कि चर्च को भर भर के लाओ? चर्च भरना चाहिए, भले ही नर्क क्या कहते हैं स्वर्ग खाली रहे, चर्च भरना चाहिए। तो अगर ऐसा ही करना था तो क्लब खोल लेते, चर्च क्यों खोल लिया आपने बताइए? और फिर क्लब के अंदर जैसे सब चलता है ना, दारू सिगरेट पिक्चर सब चलता है ना, डिस्को ठिस्को सब चलता है, वैसे चर्च में भी चला लो, ये नहीं कर सकते ना। या मैं चाहता हूं कि वचन 12 पे फोकस करें, अभी जितने लोग मुझे देख रहे हैं, वचन 12 आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूं, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है उनकी, क्योंकि उनके ऐसे क्रिश्चियंस, ऐसे नॉन क्रिश्चियंस, ऐसे लोग हैं जिनकी गुप्त बातें भी चर्चा अगर करें तो लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उलाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होता है। अभी जो आपसे बात कर रहा है मैं आपके बीच में रखूंगा कि मैं कौन हूं। हम ज्योति के लोग हैं लिखा है, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है, जो सब कुछ को उजागर करता है वो ज्योति है। यीशु ने कभी छुपकर बात नहीं किया, यीशु ने कभी टोल मटोल की बातें नहीं करी, यीशु ने कहा ये गलत है तो गलत है, ये सही है तो सही है। वचन 14 आपके बीच में रखने जा रहा हूं, और आशा करता हूं कि आप जितने अभी इस वक्त में मुझे सुन रहे, परमेश्वर का आत्मा आप लोगों से भी बात कर रहा है। लिखा है इस कारण वह कहता है सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है अगर आप नहीं जागे तो मसीह की ज्योति नहीं चमकेगी, अगर आप नहीं जिंदा हुए, सांसारिक बातों से बाहर नहीं निकले तो मसीह की ज्योति नहीं चमकेगी, और ज्योति जिस पे चमकी है वो कभी छुप कर नहीं रहेगा, वो कभी छुप कर नहीं रहेगा। मैं छुप कर नहीं रह सकता, मेरी बातें छुप कर नहीं रह सकती, और यही वजह है कि हम लोगों के बीच में जब बात करते हैं तो कईयों को तकलीफ होती है। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई। आपको पता है परमेश्वर को बुद्धू लोग पसंद नहीं है, मैं इस बात को फिर बोल देता हूं, परमेश्वर को बुद्धू लोग पसंद नहीं है, बल्कि याकूब 1:5 क्या कहता है, जिसे बुद्धि की घटी हो, आगे बोल दीजिए, वो मांगे प्रार्थना करे ताकि प्रभु उसको बुद्धि दे। परमेश्वर को बुद्धि बुद्धू लोगों की बिल्कुल जरूरत नहीं है, परमेश्वर चाहता है कि हम बुद्धिमान बने, निर्बुद्धि नहीं, डोंट बी अ फुलिश बट बी अ वॉइस, बुद्धिमान बनना है। बुद्धिमान क्यों मैं आपके लिए रखने जा रहा हूं, बुद्धिमान इसलिए कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं।
आपको बुद्धिमान क्यों बनना है? क्योंकि दिन ठीक नहीं है, आज की तारीख में कुछ भी ठीक नहीं है, ना टॉलीवुड, ना बॉलीवुड, ना हॉलीवुड, और ये जितने भी लोग हैं ना संसार के अंदर, जो सांसारिक जीवन तो जीते हैं, संडे को चर्च में आते हैं, खूब नाचते हैं, और फिर पास्टर को कहते हैं कि पास्टर खबरदार, अगर आपने पाप के ऊपर प्रचार किया खबरदार, अगर आपने रिपेंटेंस के ऊपर प्रचार किया खबरदार, अगर आपने कोई ऐसी पवित्रता का टीच किया हम आपका चर्च छोड़ देंगे। ऐसी हालत है आज। मैं सब पास्टर को कहना चाहता हूं, जितने भी मुझे अभी सुन रहे और विश्व के जितने भी जहां तक हिंदी भाषा समझी जाती है, टंग्स वाले तो वैसे ही बेड़ा करके, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो खरी शिक्षा के पास्टर से डंके की चोट पे पुलपिट पे खड़े होके, डंके की चोट पे संडे टू संडे आपके सामने 10 लोग बैठे हैं या 10,000 बैठे हैं, वो चाहे आपको अपना पैसा 10,00,000 रुपए भी देते हो, डंके की चोट पे पवित्रता का प्रचार करो, डंके की चोट पे पाप का प्रचार करो, डंके की चोट पे प्रभु यीशु से प्यार करने का प्रचार करो, संसार से नफरत करने का प्रचार करो, और बदबूदार नहीं खुशबूदार बनने का प्रचार करो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। जो कोई प्रभु की इच्छा को नहीं समझेगा वो प्रभु के साथ नहीं चल पाएगा। दोस्तों, अंत में एक ऐसी बात रखने जा रहा हूं, और वचन 21, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन हो, इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब यह है कि हम सब के अंदर प्रभु का डर होना जरूरी है, हम सब के अंदर परमेश्वर का डर होना बहुत जरूरी है। क्या बात करते, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या करते हैं, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, पड़ोस में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, हम कैसे रहते, चर्च में हम कैसे रहते, पास्टर चर्च के साथ, चर्च पास्टर के साथ हम कैसे रहते हैं, इसका डर होना बहुत जरूरी है। एक दूसरे के अधीन का मतलब क्या है? क्योंकि जब हम प्रभु से प्यार करेंगे तो हम एक दूसरे से प्यार करेंगे। अगर हम प्रभु से प्यार नहीं कर रहे, हम किसी प्रभु के दास, प्रभु के लोगों से प्यार नहीं कर रहे। तो मैं उस स्लाइड पे वापस आऊंगा और मैं फिर उसके बाद में प्रभु भोज में जाऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि ये स्लाइड आपके बीच में रख रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि ये जो मैसेज है, बदबूदार मसीह और खुशबूदार मसीह, इसी वक्त परमेश्वर आपसे बात करे, जितने जूम पर हैं आपसे भी बात करे, हम सब से बात करे कि जब हम प्रभु के पास में आते हैं, उसकी उपस्थिति में, तो हम बदबूदार हैं या खुशबूदार हैं। दोस्तों, प्रभु भोज